डिजिटल करेंसी को लेकर पिछले कुछ सालों में आपने कई खबरें पढ़ी और सुनी होंगी। अब जल्द ही अपने देश में भी डिजिटल करेंसी आ सकती है। CNBC के साथ एक इंटरव्यू में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि दिसंबर 2021 तक डिजिटल करेंसी को लेकर एक प्रोग्राम लॉन्च हो सकता है। अगर ये कामयाब रहा तो इसे बड़े पैमाने पर लाया जा सकता है। तो ऐसे में आज के वीडियो में डिजिटल करेंसी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। जैसे आप वॉलेट में कैश लेकर चलते हैं, उस कैश की एक तय कीमत होती है। डिजिटल करेंसी भी वैसी ही होती है, बस इसका फिजिकल फॉर्म यानी ये कोई नोट सिक्का नहीं होता। किसी भी खरीदारी या दूसरे काम के लिए अगर आपको किसी को डिजिटल करेंसी देनी है तो उसे सीधा दे सकते हैं, जैसे कैश में किया जाता है। आप इसे रखने के लिए डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल करेंसी की मॉनिटरिंग सेंट्रल बैंक करता है, ऐसे में इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC कहते हैं। भारत के केस में ऐसी करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करेगा। डिजिटल करेंसी को सरकार और बैंक की मान्यता हासिल होगी और रिजर्व बैंक के बैलेंस शीट में भी ये शामिल होती है। बैंकों से अपने डिपॉजिट को नई डिजिटल करेंसी में बदला जा सकेगा। डिजिटल करेंसी को भी कैश में बदलने का प्रावधान बैंक दे सकते हैं। कुल मिलाकर इसे एक तरह का कॉन्टेक्टलेस पेमेंट का जरिया कह सकते हैं। अब आपको ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एक ही है। बिटकॉइन, डॉजीकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी पर किसी तरह का रेगुलेशन नहीं होता, ना ही अपने देश में सरकार की इसको मान्यता है, तो इसके दाम में भी खूब उतार चढ़ाव होता है और क्रिप्टो करेंसी में जोखिम भी होता है। दूसरी तरफ तो डिजिटल करेंसी तो समझ लीजिए कि कैश का ही डिजिटल फॉर्म है, जिसे सेंट्रल बैंक सपोर्ट भी करता है। यह भी के डिजिटल वॉलेट से अलग है। इस वक्त जो हम आप डिजिटल वॉलेट के जरिए या क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करते हैं, तो आप बैंक को निर्देश दे रहे होते हैं कि बैंक वहां से पैसा रिलीज करता है। डिजिटल करेंसी में ये बीच का माध्यम नहीं होगा, देने वाला सीधा करेंसी देगा और इसे हासिल करने वाला हासिल करेगा। प्रक्रिया में तेजी आएगी और बैंक का बीच वाला रोल खत्म होगा। अब ऐसा नहीं है कि डिजिटल करेंसी का भारत का प्रयोग कोई नया प्रयोग है, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो इसे पहले ही इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चीन के सेंट्रल बैंक ने 2021 के शुरुआती महीनों में कुछ शहरों में डिजिटल करेंसी की टेस्टिंग शुरू कर दी है। दूसरे देशों की बात करें तो इक्वाडोर ने साल 2015 में डिजिटल करेंसी सिस्टम शुरू कर दिया है। ऐसे ही ट्यूनिशिया, सेनेगल जैसे देशों में भी ये इस्तेमाल हो रही है। अब भारत में भी इसकी तैयारी हो रही है, तो CNBC के इंटरव्यू में रिजर्व बैंक के गवर्नर कहते हैं, ये एक नया प्रोडक्ट है तो हम एक्सट्रीमली केयरफुल हैं। रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी की सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सेक्टर पर इसके प्रभाव की स्टडी कर रहा है। डिजिटल करेंसी की बात चल रही है तो सबसे बड़े फायदों में से ये भी है कि प्रिंटेड नोट छापने या सिक्का बनाने और उसके ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्च आता है वो कम होगा। साथ ही डिजिटल करेंसी की मॉनिटरिंग हो सकेगी तो भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।